श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति का रहता है। इस दौरान बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्राओं का आयोजन होता है। इसी के चलते प्रतिवर्ष अनुसार इस सावन माह में भी तीसरे सोमवार को बागली नगर में भव्य रूप से महिलाओं द्वारा पैदल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 5 वर्षों से बागली नगर की महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से महिला कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार के दिन बागली नगर में स्थित शिव मंदिर से कांवड़ यात्रा प्रारंभ की गई, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पैदल लगभग 2 किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा ढोल धमाके के साथ जटाशंकर तीर्थ स्थल पहुंची। इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। सब नाचते गाते हुए भगवान भोलेनाथ के भजनों पर झूमते हुए जटाशंकर पहुंचे, जहां पर सभी महिलाओं द्वारा जटाशंकर महादेव का जलाभिषेक व आरती कर यात्रा का समापन किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। महिलाओं का ये कांवड़ यात्रा का 5वां वर्ष है और महिलाओं का सामूहिक भोलेनाथ के अभिषेक, जल पूजन और नगर की शांति समृद्धि बनी रहे, इसलिए हम लोग हर साल आयोजन करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन होता है। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होती हैं और भगवान का जल अभिषेक करती हैं। ये हम शंकर मंदिर बागली से स्टार्ट करते हैं, बावड़ी चौराहा से, और जटाशंकर सभी महिलाएं पैदल आती हैं और सभी महिलाएं वापस एक समूह के रूप में वापस जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।